जो अपना घर नहीं सुधार सकते, बिहार शरीफ जल रहा है और मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में भ्रमण कर रहे हैं, पर एकजुटता कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता भ्रष्टाचारियों की जमात की गोलबंदी कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री तो कम से कम अपना राजकाज भी संभाल रहे हैं, देश को भी संभाल रहे हैं, पूरे देश के अंदर विकास की गति को बढ़ा रहे हैं और चुनाव प्रचार नेता है पार्टी के तो वो भी धर्म को निभा रहे हैं। लेकिन आपके लोग अभी कौन सा चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? भ्रष्टाचारियों की जमात को जुटाकर दर्जनों हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाने के लिए क्यों मौन है? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आप भी पालन करिए और आपके जो प्रिय अति प्रिय मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी थोड़ा बताइए। मणिपुर हिंसा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी काफी संवेदनशील है, गृह मंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का जो ट्वीट और बयान आ रहा है, चलिए देर से ही सही, संवेदना तो कम से कम जगा। हम तो उनसे चाहेंगे कि बिहार में जो दर्जनों हत्याएं हो रही है उनके समय में कई नरसंहार, जातीय नरसंहार हुआ था, कई अपराधियों की गोली के शिकार हुआ था, किसी एक पर भी संवेदना व्यक्त कर देते और ट्वीट कर देते तो लोगों को राहत लगता। आज भी कम से कम बिहार के अंदर जो अपराधियों की गोली से शिकार हो रहा है भ्रष्टाचारियों के कारण, जिसका परिवार का भविष्य और नौजवानों का प्रतिभा दांव पर लग रहा है, बिहार में इन अपराध और भ्रष्टाचार के कारण एक आग लग रहा है, अराजकता का वातावरण बन रहा है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी इस पर भी आपकी ट्वीट आनी चाहिए। अपने परिवार और अपने पुत्र की भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उसके भविष्य के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर घोटाला न हो, पुराने अनुभव को शेयर करते हुए एक नया स्वच्छ वातावरण बनाइए कि पवित्रता और ईमानदारी से नियुक्ति हो, अपराध भ्रष्टाचार रुके और हिंसा रुके, जातीय उन्माद न फैले, इस पर भी आपका ट्वीट आना चाहिए। बिहार की जनता ये अपेक्षा रखती है, ऐसे भी चौथापन है, लास्ट आवर है, आपको माननीय न्यायालय से स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजा है और आप राजनीति कर रहे हैं तो भगवत भजन करिए। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, उनके भगवत भजन राम कथा में सम्मिलित होइए, आपका स्वास्थ्य उनकी हनुमान जी की कृपा से कुछ और बेहतर हो जाए, ताकि अपने परिवार और अपने दल के लोगों को, जिसका नकारात्मक मानसिकता से बिहार के वातावरण को दूषित कर रहे हैं, उनकी भाव में सकारात्मकता आ जाए।